ये बच्चे का मामला माइनर बच्चे के साथ माइनर बच्चे ने असाल्ट किया, ये मरकर शहरी की घटना है। पी एस सर को गांधीनगर थाना पड़ता वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये परिवार ही है, बच्चे के माता पिता हैं। FIR लॉन्च हुई, FIR के बाद इन्होंने कहा कि अन्य धारे भी ऐड की जाए पी एस गांधीनगर थाने में, तो इन्होंने ऐसे मामला दर्ज कराते हुए तो वहाँ के जो CI से कार्यवाही किया है, उन्होंने ये कहा, इनको जवाब दिया कि ये डिप्टी साहब की जाँच है, ये करेगा, हमारे पास कोई पावर नहीं। ये कहते हुए इनको ये उल्टा लौटा दिए गए, घर पर गए। इसके 2 या 3 दिन बाद घटना इनके बच्चे का दोबारा कारित होती है नाबालिग बच्चों के द्वारा, मीन्स अपचारी बच्चों के द्वारा। उसके बाद ये मुझसे संपर्क करते हैं 22 तारीख को, क्योंकि अन्य दारों के साथ मुकदमा दर्ज करने है। तो मैं एडवोकेट अमित कुमार पांडे इनके परिवादी की तहरीर के आधार पर अन्य धारा है जिसमें 149, 34, 307 एंड 326 धारा के अकॉर्डिंग मैं रिपोर्ट कराने हैं, तो डिप्टी साहब के पास पेश होता हूँ। इनके सर इनकी परिवादी का अनुसंधान के आधार पर जांच कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और डिटेक्ट बच्चा जो 3 या 4 है अपचारी बच्चे में उसको आप निरुद्ध कीजिए, जिसमें से अभी तक जो इनके द्वारा पता चला है कि एक ही बच्चे को निरुद्ध किया गया। तो मेरा प्रार्थना पत्र इन परिवादी के द्वारा प्रशासन से ये है कि एक तो पेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए CEO साहब के द्वारा, जिसमें रिलीजियस समुदाय विशेष तौर पर जो उनका पड़ रहा है राजनीतिक जो इनके द्वारा पता चला वो एक निष्पक्ष होकर करे। दूसरा स्कूल प्रबंधक से मेरी ये एक बाकायदा है, एक प्रशासन से ये है कि जो स्कूल प्रबंधक अगर इसमें पहले की भूमिका निभा देती तो बच्चे के साथ जो क्षति कारित हुई वो नहीं होती। क्लास में के बच्चे के नहीं, बच्चे सीनियर थे, जो बच्चे ने असाल्ट किया ना बच्चे ने अपचारी बच्चे तो उसी स्कूल में ही अलग या बाहर के हैं स्कूल के थे। इस मामले को लेकर झगड़ा हुआ कुछ नहीं था, बस वो लोकलिटी का एरिया पड़ता है, लोकलिटी का एरिया पड़ता है, पर लोकलिटी एरिया के हिसाब से वो स्कूल में 90% उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, बाकी और कोई रिलीजियस का मामला नहीं है, बाकी दलित वर्ग है। इसलिए मैं इनका साथ देने आया हूँ, न्याय श्रीमान न्यायालय से और मेरे सीनियर CEO साहब से निवेदन है और स्कूल प्रबंधक से निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए इसको जो अपचारी बच्चे हो उसको निरुद्ध किया जाए, डिटेक्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए।